सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा होंगे और आप सभी को अपना इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज का जो यात्रा होने वाला है वो प्रतापपुर के लिए होने वाला है, तो आप लोग लगातार फुल वॉच कीजिए। हम आज जाने वाले हैं अपने सिस्टर के यहाँ, वो भी बस से। तो यहाँ से घर से तो बलरामपुर तक चाचा मुझे छोड़ेंगे और वहाँ से फिर बस में जाएंगे। तो आप लोग लगातार हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, देखते हैं आज के इस सफ़र में कौन सा कहानी बनती है। अभी मैं हूँ घर पे, देख सकते हैं मेरा घर। और चलिए कंटिन्यू करते हैं, लगातार फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप। हम महाराजगंज के मेन रोड में हैं अभी फ़िलहाल, स्कूल के पास, महाराजगंज हाई स्कूल के पास। और आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहिए, हम वीडियो शूट करते चलेंगे और कब प्रतापपुर पहुंचते हैं देखते हैं अब। ये देखिए छपरा बस आ चुकी है और फिलहाल हम लोग पचावल पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सरनाडी, सरनाडी चौक के पास और कुछ ही देरी में हम तहजवार बलरामपुर पहुंच जाएंगे। और चलिए आप लोग लगातार बस फुल वॉच करते रहिए और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए, ट्रेवल ब्लॉग या अच्छे अच्छे जगह का वीडियो आप सभी के बीच ला सकें। ये देखिए हम तहजवार पहुँच चुके हैं और कुछ ही देरी में हम बलरामपुर की मेन सिटी में प्रवेश कर जाएंगे मेन रोड में। और चलिए आप लोग लगातार फुल वॉच कीजिए वीडियो को और भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो। सो फ्रेंड, देख सकते हैं हम बलरामपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देरी में मेन रोड में पहुँच जाएंगे, बलरामपुर चांदो चौक। तो आप लोग बस कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग यदि बलरामपुर क्षेत्र से देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए कि जी हाँ, मैं भी बलरामपुर से हूँ, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग मेरा वीडियो बलरामपुर से लोग नहीं देखते हैं, अधिकतर अलग जगह से ही देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई बलरामपुर से भी देखते हैं क्या मेरे वीडियो को। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए इधर कुछ बन रही है, अभी चांदो चौक के पास हम पहुंच चुके हैं और जितने भी दुकानें थे यहाँ हटा दी गई है और यहाँ पे काम अभी चल रही है। और देखिए बलरामपुर के चांदो चौक पे पहुंच चुके हैं मेन रोड में। कुत्ता के भी जिंदगी पाक है, इसकी जिंदगी दिया। सो फाइनली दोस्तों, हम जो है बलरामपुर बस स्टैंड में है अभी फिलहाल और हमारा जो प्रतापपुर के लिए बस है वो छूट चुकी है क्योंकि वो 10 बजे ही थी और अभी 11:30 बज गए। तो 11:30 बज गए और 1 बजे फिर से बस है, दूसरा बस। तो हम लोग क्या करें, लेट हो गया तो चाचा मुझे छोड़ के चले गए यहाँ पे बस स्टैंड में, उनको काम थी बलरामपुर में कहीं बस, तो कहे कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, काम है बलरामपुर में। और अभी एक बस आई हुई है, देखिए अंबिकापुर जाने के लिए पॉपुलर। तो फाइनली आराम से बैठ गए हैं और मेरा इधर सामान वगैरह। सो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे पूछताछ केंद्र और इधर कुछ इस प्रकार से है बनाया गया है और इधर यात्री प्रतीक्षालय महिलाएं के लिए, देखिए। और ये देखिए
यहाँ पे जो बैठने के लिए है उसको तोड़ फोड़ दिए हैं। इस प्रकार से है, व्यवस्था ठीक था लेकिन लोग इसको अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे तैसे करके गुटखा वगैरह खा खा के देख रहे हैं कैसे किए हैं पूरा लाल लाल। देखिए यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड वगैरह भी दिया गया है, लाइटिंग चालू है। और इधर भी, इधर मार्केट लगती है बुधवार को, देख सकते हैं। सो फ्रेंड देख सकते हैं अंबिका बस आ चुकी है अंबिकापुर जाने के लिए, और मुझे प्रतापपुर जाना है। तो जो प्रतापपुर वाला बस है वो ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से एक 2:15 में बस है तो वो लगभग 4:40 में प्रतापपुर छोड़ती है। तो देखते हैं उसी से जाएंगे लास्ट में क्या करेंगे। ये देखिए एक और बस आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं आदिशक्ति, रमानुगंज टू अंबिकापुर जाती है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यात्रीगण आ रहे हैं वो अंबिकापुर से रमानुगंज बलरामपुर। और एक और बस आ चुकी है महामाया, बहुत सारे बस यहाँ पे आती रहती है। ऐसे तो जो ट्रेवल बस है वही बस नहीं आती, बाकी सब बस यहाँ पे आते हैं। आप लोग को सभी जगह का गाड़ी यहाँ से मिल जाती है, जैसे कि गढ़वा अंबिकापुर, इधर रमानुगंज, इधर प्रतापपुर, सभी जगह के आप लोग को यहाँ से मिल जाएगी। तो आप लोग आ सकते हैं, ये देखिए आदर्श गुप्ता सभी बस लगे हैं। और दोस्तों मैं यहीं तक वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि आगे मेरी बस आने वाली है कुछ देरी में, ठीक है। तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ सामान वगैरह हैं और मुझे सामान वगैरह लोड करनी होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। हम वापसी का वीडियो थोड़ा सा लिए थे, वापसी का वीडियो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं था। आप लोगों को नहीं